आपको राजसमंद आके कैसा लग रहा है? वो तन मन धन से समर्पित भाव से काम करते हैं, उनको बदले में कुछ चाहिए नहीं। महिला शाखा अलग काम कर रही है, अलग अलग सेवा के अलग अलग प्रकल्प के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते हैं, तो ये होता कैसे है? ऐसा संभव कम होता है थोड़ा? बहुत एनजीओ है और हम किसी भी दूसरे एनजीओ के साथ अलायंस करके कितना भी बड़ा काम हिंदुस्तान में मूर्त रूप से जमीन पर उतार सकते। जब इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इतने बड़े बड़े काम करती है, उसमें हमारे राजसमंद की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार, महावीर इंटरनेशनल एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है हमें से हर एक ने सुना होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम महावीर इंटरनेशनल के जो सेवा कार्य हैं उनसे जुड़ जाते हैं और आज राजसमंद के लिए खुशी की बात है कि हम महावीर इंटरनेशनल की इन तमाम सेवाओं के पीछे, इन तमाम कार्यों के पीछे जो पूरी पूरी टीम काम करती है, उस टीम के मुखिया से मिल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आप अध्यक्ष हैं और आपसे मुलाकात करते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपको राजसमंद आके कैसा लग रहा है? देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ, महावीर इंटरनेशनल के जिस भी केंद्र में जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने की दो वजह है। एक वजह ये कि लोग हमारे जो हैं महावीर इंटरनेशनल में, वो तन मन धन से समर्पित भाव से काम करते हैं, उनको बदले में कुछ चाहिए नहीं। सो विदाउट एक्सपेक्टेशन दे आर सर्विंग टू द ह्यूमैनिटी, दैट्स द वंडरफुल पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि ये काम वो खुद करते हैं अपने हाथों से, जैसे यहाँ आए हुए ये लोग, यहाँ पे खड़े हुए कोई एम्प्लॉय नहीं रखे हुए, अपने आप काम करते हैं। तो ये समाज सेवा का एक अद्भुत काम करने का तरीका है जो महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्था के पास बिल्कुल यूनिक है और 1975 से लेके अब तक है। देखिए, 48 साल कोई संस्था अगर जिंदा है और अच्छा काम कर रही है, तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर मजबूत है। जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो ऐसा बनाया होगा जो 50 साल तक चल रहा है अनवरत और अगले 50 सालों तक चलेगा, उसकी नींव हम तैयार करें। पर अनिल जी, भाई साहब, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य आपने कहा ना, निस्वार्थ भाव से सभी लोग सेवा करते हैं और बिल्कुल ऐसे करते हैं कि खुद जुट के करते हैं और अलग अलग विंग भी मैं देखता हूँ कि महिला शाखा अलग काम कर रही है, अलग अलग सेवा के अलग अलग प्रकल्प के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते हैं, तो ये होता कैसे है? ऐसा संभव कम होता है थोड़ा? देखिए, हम जिस भावना से आते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्राणी मात्र की सेवा के लिए आए हैं। सेवा हम उनके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं, मज़ा आता है। ये जो फर्स्ट मैंने जो पॉइंट बोला है, मज़ा आता है, यानी कि वी अर्न लव एंड अफेक्शन ऑफ पीपल। ये हमारी कमाई है कि लोग हमारे को प्यार देते हैं, सत्कार देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं और उसकी वजह से जो हमें खुशी होती है, ये हमारी कमाई है और उस कमाई के पीछे हम सब कुछ लगाते हैं। कमाई का तो आप बता ही रहे हैं, मगर आपने जैसे बताया कि 1975 से आपने बताया कि तब से कार्य कर रहे हैं, तो आगे की क्या ऐसी रूपरेखाएं हैं कि हम माने कि हम महावीर इंटरनेशनल आने वाले समय में हमको इस तरह से और भी सक्रिय होता दिखाई देगा? देखिए, महावीर इंटरनेशनल आज की डेट में 345 केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में काम कर रहा है 1975 से, यानी कि 48 साल हो गए, 49वां साल चल रहा है। हम 50वें साल में प्रवेश करने के लिए महावीर इंटरनेशनल को पूरी तरह से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व सुधार रहे हैं और इसकी इमेज को बिल्डअप कर रहे हैं, ताकि ये अगले 50 सालों तक भारत की एक प्रमुख एनजीओ के रूप में काम कर सके। और हमारे पास सब तरह के क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, FCRA में रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स में रिकग्नाइज्ड है, जो भी CSR के लिए कोई कैपेबिलिटी चाहिए वो सब हमारे पास है, कॉम्पिटेंस है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे पास है, इसलिए हमारा एक NGO अद्भुत NGO है और हम किसी भी दूसरे NGO के साथ अलायंस करके कितना भी बड़ा काम हिंदुस्तान में मूर्त रूप से जमीन पर उतार सकते। महावीर इंटरनेशनल वैसे भी ऐसा नाम है कि आपसे आज मुलाकात हुई हो, आपकी टीम के मेंबर से मुलाकात होना हो, कहीं ना कहीं हम कोई एम्बुलेंस जाते हुए देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमको नाम जीवन से यूँ लगता है कि जुड़ गया है। पर मेरा क्या है कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा शहर छोटा सा है मगर फिर भी थोड़ा सा शहर से ज़्यादा प्रेम है, तो ये सवाल मैं चाहता हूँ कि शहर वासियों की तरफ से पूछूँ कि जब इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इतने बड़े बड़े काम करती है, उसमें हमारे राजसमंद की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर ब्रांच इम्पोर्टेंट है, यानी कि जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ का हर शाखा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है। वो शाखा हमने बनाई है, उस शाखा का जो कुछ वो करती है, उसका जो फल है वो पेड़ को मिलता है, और इस वजह से हमारी हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी शाखा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी काम कर रही है, क्योंकि उनकी भावना पवित्र है। अब आपका तो पेड़ भी बड़ा हो गया, शाखाएं भी बड़ी हो गई, जड़ें भी गहरी हो गई, तब आपको तो दूसरे कामों के लिए समय मिलता ही नहीं होगा, व्यक्तिगत
तो काफ़ी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती होगी इन चीज़ों के लिए। देखिए ये प्राथमिकता देने का मतलब है, मैं आज भी कहता हूँ मैं खाली हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, ऐसे मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप को भी समझाता हूँ और बाकी लोगों को भी समझाता हूँ, क्योंकि ये प्राथमिकता देने का सब्जेक्ट है। अगर मैंने महावीर इंटरनेशनल को प्रायोरिटी माना हुआ है तो जो भी प्रायोरिटी मानता है उसको प्रोजेक्ट की तरह करता है, दिल से करता है, लगन से करता है, उसके अंदर जो पैशन आता है उसको करने का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, उससे थकान नहीं होती, काम करते हैं बस मजा। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, मूल कहाँ से हैं, कैसे यहाँ इस तक यहाँ तक का सफ़र आपने किया? देखिए मैं, मेरा नाम अनिल जैन है, प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोटा शहर से रहने वाला हूँ यानी कि राजस्थान का रहने वाला हूँ, दिल्ली में 1980 से मैं दिल्ली में हूँ, तो तकरीबन 43 ईयर्स हो गए मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में अपना प्रोफेशन करता हूँ। महावीर इंटरनेशनल में 35 साल से जुड़ा हूँ, 35 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग पीरियड जब कोई किसी संस्था के साथ जुड़ता है, तो मेरे खून में 48 ईयर्स आपने महावीर इंटरनेशनल का जीवन बताया शायद, उसमें से 35 ईयर्स आप जुड़े रहे। मैं 35 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ, मैं जिस तरीके से बोलता हूँ वो उसके पीछे मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है, मैंने इसको जिया है संस्था में। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैसे भी सब कुछ मालूम होता है। ठीक बात है, वो भी है, बिल्कुल सही है। तो ये अब तक का सफ़र अब कैसे देखते हैं आप अपना? आखिरी सवाल अगर मैं पूछूं कि हाँ अब अनिल जी यहाँ खड़े हैं, सामने कैंप भी चल रहा है, अलग अलग जगह जहाँ जाते होंगे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे होंगे, तो ये 35 साल यूँ लगता है कि बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट किए हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आप। देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जितना कमाया इस चीज़ से वो मन की शांति, तन का सुख और लोगों का प्यार, ये मैंने कमाया है, और ये कमाई पैसे से तो मिलती नहीं है जी। जितना भी मर्जी पैसा कमा लो ये चीज़ नहीं मिलेगी, और मैं इस संस्था को इन 2 सालों में उस जगह छोड़ के जाना चाहता हूँ जहाँ ये अगले 50 सालों तक फहराती रहे। तो देखा आपने, और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ आपको, जब मैं अनिल जी से बात कर रहा था और जब जब ये महावीर इंटरनेशनल के बारे में तमाम उपलब्धियाँ बता रहे थे, जब ये यात्रा बता रहे थे और बता रहे थे किस प्रकार से सेवा के इस काम में लगातार डटे हुए, तब बाकी जो चेहरे थे ना उन पर भी एक मुझे ऐसा लगा जो आपने कहा ना कि मन की खुशी, वो मन की खुशी वाली स्माइल मेरे को दिखाई दे रही थी। तो हम यहाँ से महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में सेवा के कार्य में जब निस्वार्थ भावना जुड़ जाती है, जब ये लग जाता है कि हाँ जो करना है यही करना है और ये इस तरह से करना है कि फिर मतलब इसके अलावा हमें कुछ दिखे ही नहीं। 35 सालों की एक यात्रा आपकी हो गई, 48 सालों की यात्रा इस संस्थान की हो गई, तो हम समझ सकते हैं कि महावीर इंटरनेशनल इनके जीवन के साथ साथ हमारे जीवन को कितना ज़्यादा बेहतर बना रहा है, बढ़िया बना रहा है, और ये यूं ही बेहतर और बढ़िया बनाते रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।